दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा YouTube चैनल है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ YouTube चैनल डिलीट करने के, जिनमें से पहला जो तरीका है वो काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है टेम्परेरी डिलीट का। तो दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल को टेम्परेरी डिलीट करते हैं तो आपका YouTube चैनल गायब हो जाएगा। वो YouTube पर ही रहेगा लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देगा। आपके वीडियोस, आपके सब्सक्राइबर, आपका चैनल कुछ भी किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, इसमें जो बेस्ट फीचर मुझे लगा वो है आप अपने चैनल को कभी भी रिकवर कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है परमानेंटली डिलीट का। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने YouTube चैनल को जो है परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो आपका YouTube चैनल जो है कभी भी वापस नहीं आएगा। आपके चैनल का नाम, आपके वीडियोस, आपके सब्सक्राइबर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि YouTube पर आपका कोई भी वजूद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप सोच समझ के फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो समझाने के लिए मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंटरटेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको youtube.com ओपन कर लेना है। youtube.com ओपन करने के बाद आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और आप चेक कर लेंगे कि आपका डेस्कटॉप साइट पे टिक है या नहीं। अगर टिक नहीं है तो ऐसा आपको टिक कर लेना है। डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट साइड पे कॉर्नर पे देखिए आपके चैनल का लोगो दिख रहा होगा, तो सिंपली से आपको इस लोगो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है थर्ड नंबर पे YouTube स्टूडियो का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, तो चैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर की तरफ देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग। तो ये जो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और यहाँ पर रिमूव YouTube कंटेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए दूसरे नंबर पे है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करके आपको यहाँ से वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आई वॉन्ट टू हाइड माई कॉन्टेंट और आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट। तो दोस्तों, अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था वीडियो में पहले कि आपका YouTube चैनल जो है हाइड हो जाएगा और आप जब चाहें उसे रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन जो है आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट, तो इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको एक खाली बॉक्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर डिलीट माई कॉन्टेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर अपने चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। चैनल का नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर डिलीट माई कॉन्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चैनल जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, योर कॉन्टेंट इज़ बेगिन डिलीटेड, यानी कि हमारा जो कॉन्टेंट था, हमारा जो यूट्यूब चैनल था, वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो शायद थोड़ा टाइम लगे लेकिन ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।